केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाने के बावजूद मेरठ में इस कार्य में जुटे एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यहां खडौली गांव में एक मकान में धड़ल्ले से धर्मांतरण का यह खेल चल रहा था। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने वहां पहुंचकर जब हंगामा किया तो पुलिस हरकत में आई। 5 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य पादरी रवि पास्टर उर्फ रवि आजाद मौके से फरार हो गया। रवि सहारनपुर का बताया गया है। मौके से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें गुलशन, दीपक, निशा, छाया और मिथिलेश शामिल हैं। पहले आपको दिखाते हैं क्या चल रहा था ग्राम खडौली में। परमेश्वर ने मेरी बीमारी का उपचार इसलिए किया ताकि मैं उसके कामों का वर्णन लोगों के बीच में करूं, लोगों को बताऊं कि जब कोई आत्मा आपों के बीच में काम करता है तो आपकी कैसी भी दुर्बलता की आत्मा, कैसी भी आपकी घर की परिस्थिति हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, तो ये सुबह सुबह चल रहा है। अब देखिए मौके पर हंगामे के दौरान का यह दृश्य। ये भाई धर्म प्रदर्शन करवा रहे हैं हमारे गांव खडौली में, हम पकड़ लिया इन्हें। खडौली में बरवंजा इस बारे में हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही का यह कहना है। आज दिनांक 11 अगस्त को हमें सूचना मिली खडौली से कि वहाँ पर एक धर्मशाला है, अंबेडकर धर्मशाला, उनके पास एक घर है, उनका नाम जो है ओमकार शर्मा है। ओमकार शर्मा जी घर है, वहाँ पर कुछ किरायेदार रहते हैं, कुछ महिलाएं भी उसमें रहती हैं। उसमें जो मेन महिला है निशा भारद्वाज और उसमें 2 महिलाएं और हैं। हमको ये सूचना मिली कि वहां पर कुछ गत महीनों से धर्मांतरण का काम लगातार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके उनको बहलाया फुसला जाता है। जो भोले भाले लोग हैं जिनकी या आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है,
उनको उनकी प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है और उनको प्रलोभन दिया जाता है। किसी की जैसे नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी दिलवाई जाएगी, किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी करवाई जाएगी, इस तरह का प्रलोभन दे करके वहाँ पर एक पादरी बुलाए जाते हैं जिसका नाम है रवि आजाद। और रवि आजाद वहाँ पर आकर के लोगों को अपने धर्म के बारे में बताते हैं और हमारे सनातन धर्म के बारे में तो कुछ गलत टिप्पणी भी करते हैं। वहाँ के लोगों ने हमको बताया कि जी यहाँ पर कुछ समय से सब चल रहा है, और जब हम अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ आज वहाँ पर दोपहर को करीब 1 बजे हम लोग वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें देख करके वहाँ पर जो भीड़ थी वो तितर बितर हुई और कुछ लोग वहाँ से भाग गए। वहाँ से जो पादरी था जिसका नाम रवि आजाद है वो भी वहाँ से भाग गया मौके से। उसमें हमने पुलिस प्रशासन की सहायता से वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़वाया, जिसमें 3 महिलाएँ हैं और 2 पुरुष हैं, और फिलहाल थाने में पहुँचाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। और आसपास के लोगों का ये कहना भी है वहाँ गांव के कि ये थोड़ा सा माहौल इन्होंने कुछ समय से ऐसे बना रखा है कि ये गुप्त रूप से जो भोले भाले लोग हैं उनको पकड़ के लाते हैं गांव से और प्रार्थना सभा में लेकर के जाते हैं। तो ये सारा प्रकरण हमारे संज्ञान में आया और हमने इसके खिलाफ कठोर से कठोर जो कार्रवाई हो सकती थी हमने कराई है, FIR हमने करा दी है, मुकदमा दर्ज करा दिया है। कुछ समय बाद हमको मिल जाएगी FIR की कॉपी। और रवि आजाद है, इनका कुछ फोटो है जो पादरी है मेरे पास है इस समय ब्लैक एंड वाइट है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा। ये देखिए रवि आजाद है जो वहाँ पर प्रार्थना सभा में अपना लेक्चर देते हैं, सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करते हैं। मौके वारदात से कुछ जो फोटोज हमने खींची थी उसकी फोटो वो भी हमने जो है साथ में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दी है। और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ऐसे जितने भी धर्मांतरण जगह जगह हो रहे हैं, देखिए करते क्या है, जो भोले भाले लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बेचारे इनके बहकावे में आ जाते हैं। सिर्फ मुस्लिम और ईसाई धर्म ही क्यों धर्मांतरण के पीछे पड़ा हुआ है हमें तो ये समझ में नहीं आता। और जहाँ जहाँ ऐसे कार्य होते रहेंगे हम वहाँ पहुँचते रहेंगे और ये काम ऐसे लोगों को हम पकड़वाने काम करते रहेंगे। जय श्री राम। क्या पूरा मामला हुआ था, क्या घटना है? सचिन सिरोही मेरठ से, ये थाना तंगरखेड़ा के अंदर खडोली गांव पड़ता है। यहाँ पर एक मकान में एक निशा नाम की महिला ने किराए पे मकान ले रखा था। उस मकान में हर संडे को यहाँ क्रिश्चियनिटी की जो प्रेयर वगैरह है वो कराई जा रही थी। भोले भाले हिंदुओं को वहाँ बिठाकर और उन्हें बहला फुसला कर जो कन्वर्जन का खेल चल रहा था हर संडे को। तो उसकी सूचना कुछ लोगों को मिली, गाँव के लोग थे, कुछ संगठन के लोग थे, और उन्होंने जाके जब उन्हें पकड़ा तो उसमें जो रवि पास्टर है, रवि आजाद, वो सहारनपुर का रहने वाला है और वो इसी काम को करता है। और उसने जो है यहाँ कई लोगों को कन्वर्जन जो है करा रखा है, कहीं को और कराने की तैयारी योजना जो है चल रही थी उसके अंदर पैसे फंडिंग से जैसे भी करके। अब इसके अंदर हमारा कहना ये है, ऐसा ही एक मामला, जैसे ये मामला है ऐसे ही मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंदर 1-1.5 साल पहले हुआ था। 400 लोगों का धर्मांतरण का मामला था, वो कन्वर्जन का क्रिश्चियनिटी द्वारा। उस मामले के अंदर 9 हिंदू लोग जेल गए और जो मेन मुख्य पास्टर थे महेश पास्टर जो दिल्ली का रहने वाला था और एक मुकेश पास्टर मेरठ का रहने वाला था, उन दोनों पास्टरों की आज तक भी 1.5 साल में गिरफ्तारी नहीं कर पाया मेरठ का पुलिस प्रशासन। और ऐसे ही इसके अंदर कल वो भाग गया रवि पास्टर, रवि आजाद जो है यहाँ से, और 5 हिंदू जो है इसमें बिठा रखे हैं, 5 हिंदू भी जेल चले जाएंगे। मतलब जो निर्दोष है, जो बहला फुसला के जिन हिंदुओं को जो है पकड़ के जो है जेल भेजा जा रहा है, उनकी क्या गलती है? अगर उन्हें प्रबोलन दे के जो लोग कर रहे हैं, जो बड़ा सिंडिकेट है, ये राष्ट्रीय स्तर का जो है सिंडिकेट है, दिल्ली में इनके आका बैठे हुए हैं जो इन्हें छुड़वाते हैं, जो इनकी सिफारिशें करते हैं, जो इनके ऊपर से जो है फंडिंग करते हैं, उन लोगों की चैन क्यों नहीं पकड़ी जा रही? देश के प्रधानमंत्री जी से मैं बस यही आग्रह करूँगा कि कहीं ना कहीं आप देखिए, एक तरफ तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू परेशान है और दूसरा यहाँ भारत में भी जो है इंटरनल अंदर से भी तोड़ने की जो साजिश चल रही है उस साजिश को नाकाम करें देश के प्रधानमंत्री। और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी इतने मामले उठते हैं मेरठ से, कई मामले उठते हैं, लेकिन उसके अंदर लीपापोती होती है, बाद में यहाँ के अधिकारी उन चीज़ों को दबा देते हैं। और जिस तरीके से दबाए जाते हैं, हिंदू निर्दोष होकर भी जेल जा रहा है और आरोपी जो मतलब इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं, जो उन पास्टरों की जो है गिरफ्तारी तक नहीं होती, 2-1.5 साल में आज तक नहीं हुई, ये भी भग गया, इसकी भी 24 घंटे का अल्टीमेटम आ रहा है हिंदू संगठनों का। यदि 24 घंटे में रवि पास्टर जैसे लोग और ब्रह्मपुरी में जो महेश पास्टर जैसे दिल्ली में बैठे लोग अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या पूरा मामला है और क्या आपका कार्रवाई की जा चुकी है, क्या जा चुकी है? कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में कल कुछ लोगों ने आकर शिकायत की कि एक स्थान पर कुछ लोग इकट्ठा होके कुछ अन्य धर्म की कुछ उपासना या इस प्रकार का धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं लोगों को लुभाकर।
इस पर पुलिस तत्काल मौके पर गई और उसमें जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो लोग गिरफ्तार हैं उनसे पूछताछ की गई है, उसमें कुछ बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर और लोगों की शिनाख्त कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो गिरफ्तार हैं उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अच्छा, ये लोग कौन है सर और क्या लिंक मिला है इनसे कुछ और, क्योंकि पिछले वर्ष भी मेरे ख्याल से 2022 की बात है इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिंक निकल के आया था, दिल्ली और विदेशों से भी निकल के आया था, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसा मुकदमा भी दर्ज है। ये जैसा कि मैंने बताया कि इनसे पूछताछ में कुछ चीज़ें हमको मिली हैं, कुछ साक्ष्य आए हैं और इसमें सभी प्रकार की जाँच की गई है और इसमें जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।